नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 1 रुपी के सेकंड इशू के नोट के बारे में। सेकंड इशू मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आफ्टर इंडिपेंडेंस ये नोट सेकंड है, यानी इससे पहले एक ही नोट आता है जिसे हम 1949 इशू बोलते हैं, और ये जो नोट आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं 1950, यानी कि ये नोट 1950 में इशू किया गया था और ये सेकंड नोट है आज़ादी के बाद जो इशू किया गया था 1 रुपये का। तो अगर आप ध्यान देंगे तो इसके अंदर अशोक एम्बलम बना हुआ है फ्रंट साइड में, और अगर आप बैक साइड में देखेंगे तो कोई ईयर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसके बैक साइड में कोई भी ईयर नहीं है। और अगर हम इसके सिग्नेचर की बात करते हैं तो ये सिग्नेचर हैं KG अंबेगावकर के, जो 45 डेज़ के लिए ही गवर्नर बने थे, और इसलिए उनका सिग्नेचर किसी 2 रुपये, 5 रुपये या 10 रुपये या 100 रुपये के नोट पर नहीं आता। लेकिन वो उससे पहले फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, तो ये फाइनेंस सेक्रेटरी रहते हुए उनका सिग्नेचर है। तो ये सेकंड नोट है 1 रुपये का जो आज़ादी के बाद आया था। इससे पहले जो नोट आता है वो सेम ऐसा ही है, उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। जैसा कि ये नोट आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सेम नोट है वो भी, बस डिफरेंस उसके अंदर ये है कि जो ये KG अंबेगावकर का सिग्नेचर है, अगर मैं जूम कर देता हूँ आप देखेंगे ध्यान से, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं इसको जूम कर देता हूँ तो देखिए KG अंबेगावकर का सिग्नेचर है। ये सेकंड इशू का नोट है और फर्स्ट इशू का नोट, यानी आज़ादी के बाद जो फर्स्ट इशू होता है 1 रुपी के अंदर, उसके अंदर KRK मेनन का सिग्नेचर होता है। यानी पहला नोट आज़ादी के बाद जो 1 रुपये का निकला है उसके अंदर KRK मेनन का सिग्नेचर होता है, और सेकंड नोट जो 1 रुपी का है उसके अंदर KG अंबेगावकर का सिग्नेचर है। और हमेशा याद रखिए कि जो 1 रुपये का नोट है उस पर हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होता है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं लिखा होता है, क्योंकि 1 रुपये का नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करता है, इसीलिए उसके ऊपर RBI के गवर्नर के बजाय सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल ऑफिसर होता है, उसके सिग्नेचर होते हैं। तो दोस्तों, इस नोट की कीमत के बारे में अगर मैं बात करूं तो इस नोट की कीमत आज के हिसाब से तकरीबन होती है 2000 से 2500 रुपये। जी हाँ दोस्तों, इस नोट की कीमत है 2000 से 2500 रुपये अगर ये टॉप कंडीशन में है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा इसकी कमेंट में जाकर कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाएं किसी कॉइन या नोट पर, तो आप नीचे कमेंट में जाकर लिख भी सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।